जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रहा है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी गई। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों और अस्पताल संचालकों का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जहाँ इस सिंडिकेट में मरीजों का शोषण अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किया जाता है, जहाँ मरीज को सरकारी या निजी अस्पताल से बिना मरीज की अनुमति के एम्बुलेंस संचालक अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं, जहाँ यह पूरा खेल दलाली को लेकर चलता है। अस्पताल एम्बुलेंस संचालक को और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के लिए देते हैं, वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसे नहीं बचते तो उसे फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमए के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जहां ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर आईएम आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं आईएमए के द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचें और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस चालकों और दलालों को ना दें। ये जो आज आंदोलन चालू हो रहा है, पूरे डॉक्टर उसमें यूनाइटेड हैं। अभिजीत बिश्नोई भाई आईएमए प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय शर्मा मैम मेडिकल कॉलेज से, आदर्श बिश्नोई साहब विक्टोरिया हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े, पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं, वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है, उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया। उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं, तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक ही एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है, क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एमएलसी वाली बिलिंग फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने, यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है।